सो हेलो गाइस, वी आर बैक इनटू द गेम। सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग ZEE5 का फ्री सब्सक्रिप्शन किस तरीके से ले सकते हैं। अगर आप वोडाफोन और आप एयरटेल यूज़र है तो वो आपके लिए बहुत इजी है, और अगर आप फिर भी कोई दूसरे और भी यूज़र हो तो फिर भी आपके लिए उतना कुछ हार्ड नहीं है। सो स्टार्ट करते वीडियो को। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल हम लोग सब लोग 199 के अबव ही सब लोग रिचार्जेस कराते हैं। सो गाइस, वोडाफोन और एयरटेल का एक स्कीम है जिससे कि अगर आप 199 के अबव का रिचार्ज कराते हैं तो आपको ZEE5 का सब्सक्रिप्शन उसके साथ फ्री मिलता है। तो सब्सक्रिप्शन को हम लोग किस तरीके से यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करने के लिए हमें कौन से एप्लीकेशन चाहिए और कैसे उसके थ्रू हम लोग वेब सीरीज़, मूवीज, ZEE5 की कुछ भी वो हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो वो इस वीडियो में हम लोग आगे देखने वाले हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा और जो एप्लीकेशंस मैं आपको बताता हूँ वो एप्लीकेशंस आपने डाउनलोड करने पड़ेंगे। सो गाइस, चलिए वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाइए अपने प्ले स्टोर में। आने के बाद यहाँ पे सर्च कीजिए आप वोडाफोन प्ले आप सर्च कीजिए। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जितने भी एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि वोडाफोन प्ले कर सर्च करने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा वोडाफोन का ऑफिशियल ऐप है, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी है। नेक्स्ट ऐप आपको जो इंस्टॉल करनी है वो ZEE5। ऑब्वियसली ZEE5 की वेब सीरीज देख रहे तो वो हमें लगेगी, सो उसको भी इंस्टॉल कर लेना है। वो भी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली है। उसके बाद गाइस, अगर आप एयरटेल यूज़र हैं तो आपको एयरटेल थैंक्स की ऐप डाउनलोड करनी है। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। सो आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं प्ले स्टोर में। हाँ, सो गाइस, ये ऐप तीनों इंस्टॉल करने के बाद मेरे पास वोडाफोन है इसलिए मैंने वोडाफोन का ऐप डाउनलोड किया। आपको सेंट्रल ऐप एडिट कर सकते हो, तो आपको वोडाफोन प्ले जस्ट सिंपली ओपन करना है। और जैसे आप वोडाफोन प्ले ओपन करेंगे उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं जैसे वोडाफोन प्ले ओपन हो गया, तो वोडाफोन प्ले में हम लोग अभी सर्च करेंगे कि ZEE5 की वेब सीरीज़, कोई एक वेब सीरीज़ आप हम लोग देखेंगे, जैसे स्ट्रीट ऑफ सीज 2611 जो है, ये ZEE5 की वेब सीरीज़ है। तो इसको हम लोग ओपन करेंगे और जस्ट सिंपली प्ले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्ले पे क्लिक करेंगे तो ये ऐप आपको डायरेक्टली ZEE5 में साइन इन कर लेगी और आप वहाँ से देख सकते हो। गाइस, ये जो मैं है वो सीरीज़ प्ले करके नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि ZEE5 जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर सपोर्ट नहीं करता है, तो रिकॉर्ड उसकी वजह से नहीं हो पाएगा। और प्ले होने के बाद भी बस लोडिंग ही होता रहेगा। देखिए, जैसे ये वीडियो चालू है फिर भी ये लोडिंग हो रहा है क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते हो। बट मैं अश्योरिटी देता हूँ कि आप इसमें चलेगा, या अगर नहीं चला तो आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर कुछ भी हो गया तो मैं आपको फिक्स करके दूंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं मेरा अकाउंट दे दूंगा बस। सो गाइज, आप हम लोग उन लोग के लिए बात करते हैं जो वोडाफोन और एयरटेल यूज़र्स नहीं है। सो वोडाफोन और एयरटेल यूज़र्स नहीं है वो लोग ये कर सकते हैं कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो वोडाफोन और एयरटेल यूज़र्स है, आप सिंपली वोडाफोन प्ले ऐप में जब ओपन करेंगे तो आप उनके नंबर से लॉग इन कीजिए। एक OTP उनको जाएगा और वो OTP से आप लोग भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद करता हूँ। मैंने मेरे फ्रेंड्स को दिया हुआ है, 3-4 जनों को तो मैंने कम से कम दिया हुआ है। जो हम लोग हैं एक ही अकाउंट से, मेरे ही नंबर से सब लोग ZEE5 का सब्सक्रिप्शन यूज़ करते हैं। सो गाइस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपको ठीक करके दूंगा। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, शेयर ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। थैंक यू।